कोविड-19 महामारी के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस जनता के बीच पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके से संपर्क और सूचनाओं को पहुंचा रही है। कोविड-19 महामारी में किसी भी सहायता या निजी अस्पतालों एवं एम्बुलेंस के द्वारा निर्धारित राशि से अधिक वसूली को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की हेल्पलाइन नंबर डायल 112 के प्रचार प्रसार के साथ जन जागरूकता के लिए महानगर में प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग पोस्टर एवं पंपलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने बताया कि शासन के निर्देश पर महानगर में डायल 112 के 26 होर्डिंग, 2620 पोस्टर, 15,000 पंपलेट के माध्यम से जनपद में 112 के प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें मिशन शक्ति, सवेरा, डायल 112 एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित पंपलेट पोस्टर वितरित किया गया। साथ ही कालाबाजारी करने वाले और निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली के संबंध में जन सामान्य को पुलिस की सहायता के लिए किसी भी जगह से सहायता मांग सकते हैं। होर्डिंग के माध्यम से किसी भी जन सामान्य को पुलिस की सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, पूरे शहर में 112 डाल लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे और क्या यूपी 112 के मुख्यालय से 26 होर्डिंग्स, 2620 पोस्टर व 15,000 पंपलेट्स एवं कुछ बजट उपलब्ध कराया गया था कि 112 का प्रचार प्रसार किया जाए, जिसमें मिशन शक्ति, सवेरा और जो 112 की आवश्यक सेवाएं हैं उनसे संबंधित ये पोस्टर, होर्डिंग्स व पंपलेट्स वितरित किए गए हैं। जो हमारी होर्डिंग्स हैं उसमें कालाबाजारी, कोविड नियमों का पालन करने और निर्धारित शुल्क से कोई भी एम्बुलेंस वाला अधिक जो है पैसा ना वसूलने पाए, और जो इमरजेंसी 112 की सेवाएं हैं, चाहे कहीं भी पुलिस की आवश्यकता हो, कोई डिस्प्यूट हो या अन्य कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, अग्निशमन से संबंधित हो या रेलवे से संबंधित हो, चूँकि 112 से जो अन्य सेवाएं हैं 108 को है, फायर सर्विस को है और साथ ही जीआरपी को इंटीग्रेट किया गया है, तो वो भी 112 के माध्यम से उन सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक जो है लोगों को 112 की सुविधाएं प्राप्त हो सकें और एक ही नंबर कॉल करके किसी भी आपदा में व्यक्ति आवश्यक सेवाओं को प्राप्त कर सके।